मैं गुजारिश करूंगा शरीफ इदरीस साहब से। आली जनाब मोहतरम, जनाब तारिक अनवर साहब, मसीहा ए हिंदुस्तान कौमी तंजीम, आली जनाब विनोद कृष्णन जी आचार्य हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है, हाजरीन हजरात मुख्तलिफ सूबों से आए हुए बहुत ही इज़्ज़त के लायक भाई और बहनों, कहते जिसे हयात वो एक इज़्तराब है, जिसमें सुकून नसीब हो वो ज़िंदगी नहीं, इंसान अगर जिए तो जिए मुल्क के लिए अपने लिए जिए वो कोई ज़िंदगी नहीं। ये वो शख्सियत जो आज प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही अजीम शख्सियत, और वो दर्द लेकर पूरे हिंदुस्तान का बच्चे बच्चे का जो उनके दिल में समाया, और अपनी जगह पर उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एनसीपी से जितनी भी कमेटियां सबसे रिज़ाइन किया, किस लिए? आपके और देश की फलाह बहबूदी के लिए, सेकुलरिज्म के लिए जो आज खतरे में है। ऐसी शख्सियत का एहतराम करते हुए हम लोग अपनी अपनी बिरादरियों की जो संगठन बनाने का मंसूबा बनाए हुए चल रहे थे, जिसमें 20 बिरादरियों को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करके और ये हिसाब लगाया कि ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, इसी बीच में हमें अपना एक रहबर की जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया, और वो हैं जनाब तारिक अनवर साहब, जिनके अंदर दर्द दिखा, जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कौम की फलाह बहबूदी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया।